देश भर के मौसम को लेकर बड़ी खबर। देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम तेजी से बदल रहा है। दिल्ली NCR सहित UP, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड में सर्दी का असर बढ़ रहा है, तो वहीं दिल्ली NCR में तेज हवाएं चलने से ठिठुरन थोड़ी बढ़ गई है। मौसम विभाग ने न्यूनतम तापमान में 10 डिग्री के नीचे जाने का अनुमान लगाया है। इसी के साथ यहां कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू होने वाली है। इसके अलावा पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का दौर जारी है। कश्मीरी घाटी के ऊपरी इलाकों में रुक रुक कर बर्फबारी और बारिश हो रही है। वहीं निचले इलाकों में मौसम शुष्क बना हुआ है। पंजाब और हरियाणा में अगले 2 दिनों में तेज उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण न्यूनतम और अधिकतम तापमान में मामूली गिरावट होने की संभावना बनी हुई है। IMD के अनुसार 8 दिसंबर को दक्षिणी पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में कोहरा छाए रहने की संभावना है। यूपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में मौसम में बहुत बदलाव होने की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन बारिश होने से तापमान में बड़ी गिरावट आ सकती है, जिसके चलते कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही यूपी में कोहरे का प्रकोप भी जारी किया गया है। झारखंड की बात करें तो झारखंड में चक्रवाती तूफान फेंगल का असर दिखने लगा है, जिसके चलते रांची और इसके आसपास के जिलों में बादल छाए रहने की संभावना है, साथ ही हल्की बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में बीते दिन आए फेंगल तूफान के चलते राज्यों में बारिश होने की संभावना अभी बनी हुई है। IMD के अनुसार केरल, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। किसान तक खाना है तो उगाना है। किसान तक खाना है तो उगाना है।